सारे ही भैन भरावां नूं जय मसीह दी। मैनूं आशा है कि तुसी सारे अपने घरां दे विच सुरक्षित हो। असी अज मसीह तलीम दा दूसरा अध्याय शुरू करन जा रहे हां। सो मैं छेवीं जमात दे सारे ही बच्चों नूं बेनती करती हाँ कि अपनी पवित्र बाइबल दा इतिहास, इजराइलियां दी मुक्ति दा सफर, यीशु दे नाल चलना पुस्तक नूं खोलांगे। उसका पेज नंबर 13 अध्याय दूसरा, इजराइली रेगिस्तान विच। लाल सागर नूं पार करन तो पिछों इजराइली 3 दिन तक ब्याबान विच चलदे रहे, पर किते भी उनां नूं पानी नजर ना आया। 3 दिनां दे सफर दे बाद इजराइली मरा ना दी थां ते पहुंचे जिथे पानी सी, पर लोग उतों पानी ना पी सके क्योंकि वह बहुत कौड़ा सी। इसे लई उस थां दा नां मरा रखिया। पर खुदा दे कहन ते मूसा ने एक लकड़ दा टुकड़ा उस पानी विच सुट दिता अते वह पानी मिठा हो गया। इतों चल के वह एलियम ना दी थां ते आए जिथे पानी दे 12 चश्मे अते 70 खजूर दे रुख सन। उत्ते ही उन्होंने अपना डेरा ला लिया। मिस्र तो निकलिया उन्होंने 1 महीना हो गया सी अते हुण वह एलियम दी अते सिनाई पहाड़ दे विचकार पहुंचे, जिसनों पापां दी उजाड़ कहा कहिंदे हन। इस समय उन्हां दी सारी समग्री खत्म हो चुकी सी। इस विच सानूं इह पता लगदा है कि जदों वह लाल सागर नूं पार करन लगे तां इजराइली 3 दिन तक ब्याबान विच चलदे रहे, ते जदों वह 3 दिनां दे सफर दे बाद वह मारा नां दी थां ते पहुंचे तां उत्थे लोग उत्थे पानी ना पी सके क्योंकि वह पानी बहुत कौड़ा सी। पर जदों मूसा ने एक लकड़ का टुकड़ा प्रभु यीशु दे कहन ते उस पानी दे विच सुट्टिया तां वह पानी मिठा हो गया। स्वर्ग तो मन्ना उजाण विच जदों पानी अते भोजन ना मिलिया तां लोग प्रभु खुदा ते मूसा दे विरुद्ध बुड़बुड़ाउण लगे। उन्हां दी भुख मिटाउण लई प्रभु खुदा ने स्वर्ग तो मन्ना भेजिया। एक दिन जदों सवेरे जदों त्रेल उड़ गई तां घां ते महीन कक्कर ते किणकिया वांग कुछ पिया होया सी। जदों इजराइलिया ने यह देखिया तां उन्हां पुछिया, यह की है? मूसा ने उत्तर दिता, यह रोटी है जो प्रभु खुदा ने तुहानू खाण लई दित्ती है। यह मन्ना हर सवेरे डिगदा सी अते इजराइली हर दिन अपनी लोड़ अनुसार इकट्ठा कर लैंदे सन। इसका रंग सफेद सी अते यह उन्हां नू पूरे 40 साल मिलता रहा। जिहड़े लोग सी जदों उजाड़ दे विच उन्हां नू पानी भी नहीं भोजन भी नहीं मिलिया तां उन्हां दी भुख मिटाउण लई प्रभु यीशु ने स्वर्ग तों उन्हां दे लई मन्ना भेजिया सीगा, जिहड़ा रंग दे विच सीगा सफेद, अते उन्हां नू उह पूरे 40 साल मिलता रहा। फिर जदों इजराइली लोग खुदा दे कहन ते रिफिदीम नां दी थां ते पहुंचे तां मूसा दे विरुद्ध बुड़बुड़ाउण लगे। फिर खुदा ने मूसा नूं कहा, तू कुछ इजराइली बजुर्गां नूं नाल लै के निकल जा। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू अपनी जिहड़ी तेरी लाठी सीगी तू नील नदी दे विच मारी सीगी उह लाठी नूं भी नाल लै जा। प्रभु यीशु ने कहा, तू हरोब दी चट्टान ते अपनी लाठी नूं मार अते उस विचों पानी निकलूगा। मूसा ने उस थां दा नाम मसा अते मरीबा रखिया क्योंकि इत्थे इजराइलिया ने प्रभु खुदा नूं इह कह के परखिया सी कि प्रभु साडे संग है। जिहड़े अमालेकी लोकी सीगे उन्हां ने सब तों पहलां प्रभु दे चुणे होए लोकां ते हमला कीता, ते जदों लड़ाई शुरू होई मूसा हरून अते होर दे नाल हरोब पहाड़ दी टीसी ते चढ़ गए। जदों भी मूसा अपने हाथ उतां चुक के प्रार्थना करदा तां इजराइली जितदे, पर जदों उह अपना हाथ हेठां करदा तां अमालेकी जितण लग जांदे। मूसा दीआं बाहां थक गईआं, इस लई हारून अते हूर ने पत्थर अगे करके मूसा नूं उस उत्ते बिठा दिता अते उन्हां दोहां नूं सूरज डुब्बण तक उस दे हथ फड़ के सीधे खड़े रखे। इस तरह यशया ने अमालेकी लोकां नूं पूरी तरह हरा दिता। इस लई सानूं प्रभु यीशु कहिंदा है कि सानूं एक दूजे दे लई प्रार्थना करना जरूरी है।
फिर प्रभु यीशु मसीह के कहने अनुसार मूसा सिनाई पहाड़ के उत्ते चढ़ गया। उत्थे 40 दिन ते 40 रात वर्त रख के प्रार्थना विच लीन रहा। तद प्रभु खुदा ने उसनु पत्थर दियां फटियां दित्तियां जिन्हां उत्ते लोकां नु सिक्ख्या देण लई व्यवस्थावां ते हुक्म लिखे गए। मूसा नु पहाड़ ते चढ़े काफी समा हो गया सी, ओह वापस नहीं आ रहा सी। तद लोकां ने सोचा कि मूसा उन्हां नु छड्ड के चला गया। इस समय दौरान लोकां ने हारून नु मजबूर कर दिता कि उस कोल सोने दे बच्चे दा एक बुत बनवाया जावे। मूसा ने हुक्म दिता कि जेड़े भी प्रभु खुदा वाल नहीं हन लेवी दे कबीले उन्हां नू मार देन। लेवी दे कबीले दे आदमियां ने मूसा दे कहे अनुसार कीता ते तकरीबन 3,000 लोकां नू मार दिता। मूसा दुबारा सिनाई पहाड़ ते चढ़ गया ते प्रभु ने उसनू दुबारा 10 हुक्मां वाली फटियां दित्तियां। फिर लोकां ने पछतावा कीता ते खुदा ने हुक्म दिता कि तुसी प्रभु खुदा दे रहण लई एक निवास स्थान बनाओ जिस विच ओह लगातार उन्हां दे दरमियान रह सके। इस दे दो हिस्से सन, एक महापवित्र थां जिस दे अंदर अहद दा संदूक सी जिस विच 10 हुक्मां वालियां फटियां हारून दा डंडा अते मन्ने दा पाक बर्तन रख्या जांदा सी। दूसरी पवित्र थां विच सोने दे समादान चढ़ावे दी रोटी लई मेज लुबान अते लुबानदानी रखे जांदे हन। पित्तल दा बर्तन पानी लई अते बली वेदी पवित्र स्थान दे सामने सन। ए सारियां चीजां लोकां दे पेश कीते होए नजरानियां नाल तैयार कीतियां गईयां सन। ए पवित्र निवास स्थान पाक संदूक मिस्र छड्डन तो 2 साल बाद तैयार कीता गया है। मूसा ने प्रभु दे कहे अनुसार सारी संगत नूं तंबू विच सामने बिठा के इकट्ठा कीता। फिर मूसा ने तेल लैके पवित्र तंबू अते उस विचलियां सारियां वस्तुआं प्रभु नूं अर्पित कीतियां। इस तों बाद हारून अते उस दे 2 पुत्रां दा तेल नाल अभिषेक कीता अते उन्हां नूं इजराइली कौम दे पुरोहित महसूस कीता। इस फिर लेविया दे कबीले नूं पुरोहित दी सेवा करन लई नियुक्त कीता। तद मूसा ने हारून नूं कहा, जो प्रभु खुदा दे नेड़े रहिंदा है उसदा पवित्र होना अते सारिआं दे सामणे प्रभु खुदा दी वडियाई करना जरूरी है। उस दे बाद मूसा ने हर कबीले विचों इक इक आगू चुणिआ अते उन्हां नूं कनान दी धरती ते घल दित्ता कि ओह उस धरती दी जांच पड़ताल कर सकन। फिर 40 दिन बाद कनान दी धरती दी जांच करके वापस आए। उन्हां ने वापस आके सूचना दित्ती कि उस देश विच दुध अते शहद दियां नदियां वगदियां हन। उस देश दी खुशहाली दे सबूत वजो ओह अंजीर अनार अते अंगूरा दी वेल अते कुछ गुच्छे भी अपने नाल लै आए। ए गल सुन के इजराइली बहुत दुखी होए अते सारे सोग मनाउंदे रहे। फिर ए देख के शाया अते कैलाक जो 12 रसूसां विच सन उन्हां लोकां नूं कहा, जेड़ी धरती असी देखी है ओ सुंदर अते उपजाऊ है। जेकर प्रभु दी इच्छा है तां प्रभु खुदा ओ धरती सानू देवेगा। फिर प्रभु येसु ने मूसा नूं कहा कि हर कबीले दे विचों इक जेड़ा आगू है उसनू कहो कि एक लाठी लवे उसते अपना नाम लिखे। हारून ने भी अपने डंडे उत्ते नाम लिख दिता। फिर इन्हां 12 लाठियां नूं पाक संदूक दे कोल रख दिता। अगले दिन सवेरे सिर्फ हारून दे डंडे ते सिरे दे कुछ डोडियां फुट पईयां अते उन्हां विचों बदाम दा फल निकलिया। तद प्रभु ने मूसा नूं कहा, तू हारून दी लाठी वापस पाक संदूक दे कोल रख दे। इह साबित हो गया है कि प्रभु खुदा ने हारून नूं महापुरोहित वजों चुन लिया है। इस तों बाद कदे भी किसे ने हारून दे खानदान ते महापुरोहित होण दा शक नहीं कीता। फिर उस दे बाद मूसा अते हारून ने भी फिर प्रभु यीशु मसीह उत्ते शक कीता अते फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुसीं मेरी शक्ति ते विश्वास नहीं कीता, इसी कारण तुसीं इन्हां लोकां नूं वायदे कीते देश विच नहीं पहुंचा सकोगे जो मैं इन्हां नूं देण वाला हाँ। यह घटना मरीबा दे पानियां कोल वापरी जिथे लोकां ने प्रभु खुदा दा विद्रोह कीता अते जिस जगह ते प्रभु खुदा ने अपनी पवित्रता दिखाई। फिर उसके बाद जदों इजराइली होर नां दे पहाड़ ते पहुंचे तां प्रभु खुदा ने मूसा ते हारून नूं कहा, हारून तू वायदे कीते गए देश विच दाखिल नहीं होवेगा क्योंकि तू मेरे उत्ते शक कीता है। फिर प्रभु खुदा ने मूसा नूं हुक्म दिता कि हारून दा पुरोहिताई वाला वस्त्र उसके बेटे एलियासर नूं पहना दे जिवें प्रभु खुदा ने दस्या। मूसा ने उही कीता। इस दे बाद हारून होर पहाड़ ते मर गया अते इजराइली लोक ने 30 दिन उस दी मौत दा अफसोस कीता। अदोम दे बादशाह ने इजराइल नूं अपने इलाके विचों लंघन दी इजाजत ना दिती, इसलिए उन्हां नूं लम्मा सफर तय करना पिया। इस गल ते वी ओह खुदा दे विरुद्ध बोले, तू सानूं मिस्र विचों कढ के इस उजाड़ विच मरण लई क्यों लियाया है? इत्थे ना खाण लई भोजन है ते ना पीण लई पानी है। इसी कारण प्रभु खुदा ने उन्हां नूं सजा दिती। प्रभु खुदा ने उन्हां दे विचकार बहुत जहरीले सप घले जिन्हां दे कट्टण नाल बहुत सारे इजराइली मर गए। फिर प्रभु यीशु ने मूसा नूं कहा, तू एक सप बना खंभे उत्ते टंग दे अते उस नूं खड़ा कर दे जिस नूं सप ने कट्टिया है। जेकर ओह तेरे बणे हुए सप नूं वेखदा है तां ओह बच जाएगा। मूसा ने कह
एक सप बनाया ते उसनु एक खंभे उते टंग के एक थां ते खड़ा कर दिता, जिसनु सप ने कटिया सी। जदो ओ इस सप वल वेखदा सी तां ओ बच जांदा सी। खंभे ते टंगे होए कह दे सप स्लीप ते चढ़ाए गए प्रभु यीशु मसीह दा प्रतीक सी। जिस तरह इजराइली लोकां ने मूसा दे कह दे सप नु देख के शिफा पाई सी, उसे तरह जिहड़ा सलीबी प्रभु यीशु वल तकदा सी ओ मुक्ति पाउंदा सी। इस दे बाद मूसा ने एक बार दोबारा मरदमशुमारी की। वह जानता सी कि उसका समा नेड़े आ गया। उसने लोगों नु सारियां गल्लां नु कम्मां नु याद करवाया जो खुदा ने उन्हां लई कीते सन। फिर उसने लोगों अगे अपील की कि वह हमेशा खुदा दे प्रति वफादार रहन। उसने अपनी मौत दे बाद यशुआ नु इजराइली लोगों की अगवाई करने की जिम्मेवारी सौंपी। फिर वह मोआब के मैदान विच नेबो पहाड़ से चढ़ गया। उत्थे प्रभु खुदा ने उन्हें वायदा किए कनान देश दिखाया। तद प्रभु के दास ने मोआब की धरती से दम तोड़ दिता। उसनु मोआब धरती दे बैतपियोर नगर दे सामने दफनाया गया। मूसा 120 साल दी उम्र विच मरिया। इजरायली लोकां ने मोआब दी धरती ते ही मूसा लई 30 दिन तक सोग मनाया। उस समय दे पिछो मूसा वर्गा होर कोई भी नबी इजराइल विच पैदा ना होया, क्योंकि उसने खुदा नु आमो सामने देखिया सी। असी वेखदे हां कि मूसा नबी दे समय जदों भी लोकां ने खुदा दे विरुद्ध अपराध कीता, उन्हां उत्ते कोई ना कोई आफत आई। जदों ओह खुदा दी आज्ञा अनुसार चले तां उन्हां नु खुदा दीआं बरकतां मिलीआं। सानू इस तों इह सिख्या मिलदी है कि जदों असी खुदा दे वचन अनुसार जीउंदे हां तां साडा जीवन खुदा दी असीस नाल भरपूर हो जांदा है। बच्चों मैनूं पूरा विश्वास है कि तुसी अपना जीवन खुदा दे वचन अनुसार जीउंदे हो अते खुदा दीआं गल्लां नूं अपनी जिंदगी विच मानदे हो। ए अध्याय नूं अपने घर विच पढ़ो अते इस ते अमल करो। थैंक यू।